आज इस ऐप को देश में करोड़ों लोगों के लिए प्रारंभ किया गया था। तो मेरी जानकारी है उसमें शुरुआती कुछ 30-40 मिनट ऐप के अंदर कुछ एक प्रकार से रुकावटें आईं। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे सब कुछ और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और देश में हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुकिंग के लिए डिमांड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। आज भी कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे संगठित, साइंटिफिक, सुनियोजित और सबसे व्यापक ऐप है, जो कि शायद जिसके बारे में दुनिया के बहुत सारे देशों ने तारीफ भी की है। आज इस ऐप को देश में करोड़ों लोगों के लिए प्रारंभ किया गया था और 9 बजे बहुत सारे करोड़ों लोग जो है इसके ऊपर, ऐप के ऊपर, चूंकि उन्होंने अपनी बुकिंग करने के लिए प्रयास किया। तो शुरुआती कुछ जो मेरी जानकारी है उसमें शुरुआती कुछ 30-40 मिनट ऐप के अंदर कुछ एक प्रकार से रुकावटें आईं, लेकिन उसके बाद उन सबको कंट्रोल कर लिया गया। और आज के लिए जितनी बुकिंग्स या संभावित जो इम्यूनाइजेशंस के लिए जो सेशंस, चाहे वो सरकारी अस्पताल थे या प्राइवेट अस्पतालों ने जो उसमें दिखाए थे, वो सारे के सारे बुक हो गए। अब फर्स्ट डे पर अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप अपनी जो आज की वैक्सीनेशंस की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाइए, उसके ऊपर जो ऐप के ऊपर जो आपको सेशंस दिखाने हैं उनको भी आप साथ में दिखाइए और ज़्यादा। और आने वाले दिनों के लिए इवन प्राइवेट अस्पतालों ने भी, कईयों ने अभी अपने सेशंस प्लान नहीं किए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे सब कुछ और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और देश में हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुकिंग के लिए डिमांड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो। और फिर धीरे धीरे हम ऐसी भी व्यवस्था उसमें सुदृढ़ करेंगे कि बुकिंग के अलावा भी जो है लोग उसमें सिस्टम में, एक बुकिंग वाले लोगों के लिए अलग से स्लॉट हो, और जो लोग वॉक इन करके वहाँ जाएं सेंटर पर, अपने घर के आसपास के सेंटर पर, तो उनके लिए भी व्यवस्था हो। इसके लिए भी हमने इंतजाम रखा है। और ये बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और उनके द्वारा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के साथ कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उनको रेगुलेट करने के लिए हमने उनको छूट और डॉक्टर, फ्रीडम दी आप ये है। बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या वॉक इन भी लोग जा सकते हैं क्या? अभी अभी जैसे जैसे हमने ये जो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी छूट दी है, और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में ये जो वॉक इन वाला जो है ये भी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होता इसकी जाएगा। प्रोविजन आप रख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल प्रोविजन है इसमें, जो एक मात्रा में जो आ, 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 वैक्सीनेशन के लिए लोग हैं वो बुकिंग करा के अपनी अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे, और एक मात्रा के अंदर लोग जो है आते वो हैं। अपनी, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको बुकिंग करने में कठिनाई हो सकती है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं अगले पूरे 1 हफ्ते में सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और शुक्रिया आज डॉक्टर। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐप के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।